अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है और चाइनीज़ आपका फेवरेट फूड है तो ये रेसिपी आप ज़रूर देख लीजिए। ड्रैगन पनीर चाउमीन की रेसिपी है, बहुत ही स्पाइसी रेसिपी है, इसीलिए इसका नाम ड्रैगन पनीर चाउमीन है। यूजुअली जो हम चाउमीन बनाते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट है ये। इसमें वेजीज और सॉसेस को बहुत ही परफेक्ट रेशियो में डाला जाता है। चलिए इसे बनाते हैं। जिसके लिए मैंने हाफ कप मैदा लिया है एक बाउल में और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी को ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, पानी को एक साथ नहीं ऐड कर रही हूँ, ग्रेजुअली पानी को ऐड करना है और इसका एक बैटर बनाना है। बैटर की कंसिस्टेंसी तो जैसे हम पकौड़े बनाते हैं उसी तरह की रहेगी, बस उससे थोड़ी सी पतली रहनी है। इस बैटर से हमें पनीर की कोटिंग करनी है। अगर ये बैटर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो फिर वो पनीर बहुत ही च्यूई हो जाएगा और वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगेगा। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी रहनी चाहिए। स्पून में देखिए एकदम पतली सी लेयर बन के आई थी बैटर की। अभी यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल शेप में पनीर को काट लिया है और इस बैटर में थोड़ा थोड़ा करके इन पनीर को डिप करके, अभी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पहले से ही तेल को गर्म किया हुआ था। सारे पनीर को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पनीर को डालना है, वरना ये सारे एक दूसरे में चिपक जाएंगे और उतने अच्छे से ये कुक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 से 6 स्लाइसेस ही पनीर की ऐड करी थी और इसको गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने देना है। अब देखिए परफेक्ट टेक्सचर इसका आ चुका है तो मैं इसको ऑयल से ड्रेन आउट कर ले रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऐसे दिखने चाहिए पनीर, तब तक फ्राई करना है। अब सारे पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है। अब एक पैन में ऑयल को गर्म किया है, उसमें फाइनली चॉप्ड जिंजर गार्लिक डाला है और 3 से 4 ड्राइड रेड चिली डाली है और 1 ऑनियन चॉप करके ऐड किया है। फ्लेम को बहुत हाई रखना है, चाइनीज़ कुकिंग कर रहे हैं तो इतना तो पता ही है कि हमें फ्लेम को एकदम हाई रखना होता है। अब हाई फ्लेम में ये सारी चीज़ें मैंने कुक कर ली हैं। उसके बाद हमने कैप्सिकम डाला है 1 चॉप करके और ग्रीन चिली डाली है, 4 ग्रीन चिली मैंने यहाँ पे डाली हैं, 4 ग्रीन चिली और रेड चिली। ये सारी चीज़ें मिलके बहुत ही स्पाइसी बनाने वाली हैं इसको। अब यहाँ पे सेजवान सॉस डाला है 2 बड़े चम्मच। अब इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है, फ्लेम को हाई रखना है। अब उसके बाद मैं डाली हूँ 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करते हुए थोड़ी देर और कुक कर लेंगे ताकि वेजीज़ जो हमने ऐड करी उसमें भी टेस्ट आ जाए। यहाँ पे मैंने कैबेज और कैरेट को ऐड नहीं किया है क्योंकि हम नॉर्मल वेज चाउमीन नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे ड्रैगन पनीर चाउमीन बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने बॉयल्ड नूडल्स और जो फ्राइड पनीर था वो भी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम सॉसेज ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच सोया सॉस ऐड किया है। उसके बाद मैं 1 छोटा चम्मच टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ, ये ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस ऐड किया है और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके थोड़ी सी ग्रीन कोरिएंडर लीव्स ऐड करी हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट ऐड कर रही हूँ और सब चीज़ों को टॉस कर लेना है, फ्लेम को बहुत हाई रखना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर लेनी है। इस रेसिपी बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें बहुत ज़्यादा वेजीज़ को ऐड नहीं करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा वेजीज़ ऐड कर लेंगे तो जो हमने पनीर ऐड किया है उसका टेस्ट थोड़ा दब जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजीज़ ऐड नहीं करी थी, सिर्फ मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और अनियन ऐड किया है। अगर आप फिर भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमारा ड्रैगन पनीर चाउमीन एकदम स्पाइसी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको चाइनीज़ रेसिपीज़ खाना पसंद है तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ हैं, आप जाइए उनको देखिए और अभी के लिए इन्जॉय करिए इस ड्रैगन पनीर चाउमीन को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।